टॉमी, इधर घूमो, इधर इधर आओ, इधर तो देखो। टॉमी, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इजी लाइफ में, और विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबका साल अच्छे से जाए। तो मैं आगे अपने गार्डन के फूलों से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, और ऐसे ही आप सब मुस्कुराते रहें जैसे मेरे फूल खिले हैं। और ये देखिए, डहेलिया है, पता नहीं क्या है, हमें नहीं मालूम। और गेंदे के फूल तो हुए ही नहीं, इन लोगों को ठंड मार दी है। और ये खिली है धनिया, और ये खुद से ही हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गेंदे के फूल तो इस बार आ ही नहीं रहे हैं, कोहरे से सब खराब हो गए हैं। और चलो हटो हटो यहाँ से। ये डहलिया है ना? तो ये भी इस साल नहीं हुए, क्योंकि कई बार इसको गाय खा गई, तो ये लोग भी इस बार नहीं हुए, इनमें भी फूल नहीं आया। ऊपर से ही गाय ने खा लिया, इसकी वजह से ये पनप नहीं पाया। तो आगे आप सब क्या कर रहे हैं ये बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है आप सब देख रहे हैं मुझे कि नहीं देख रहे हैं। पता नहीं है मेरे ब्लॉग्स आप सबको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को और भी ऊंचा कीजिए, जिससे मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊं। और बनाने की कोशिश तो मैं कर रही हूं, पर शायद अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूं। तो इसलिए धीरे धीरे ही शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या करते हैं पूरे दिन। आज 1 जनवरी, नया साल, और नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ। आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं भी आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी कि अच्छे से आप सब पूरी साल का वेलकम करें। और बस आगे चलते हैं, देखते हैं पूरे दिन क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। फिर मैंने ये दिखाना तो भूल ही गई मैं, ये देखिए पालक है मेरे बागीचे में, और ये भी पालक है,
ये सब अपने से ही हो गए हैं, उनको रोपा नहीं गया है। और एक दिखाती हूँ मैं गन्ना, गन्ना दिखेगा नहीं पर दिखाती हूँ मैं। ये गन्ना है, और चलिए बैंगन भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है बैंगन, और ये बैंगन का पौधा इतना ढीठ है कि इसके ऊपर पड़ाके छोड़ने के बाद भी ये पनप गया है। और देखिए अच्छी खासी इसकी प्रोग्रेस हो रही है, और हम सबों को बैंगन मिलेगा, और अच्छा वाला बैंगन मिलेगा, स्वादिष्ट वाला। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। साढ़े सात का है, 10 वाले में चलो बढ़ के मम्मी, 10 बजे चलोगे? साढ़े सात का है शो, मम्मी यही बने, मम्मी साढ़े सात का शो है। तो तब तक हम तो लिट्टी खाली है, गाजर का हलवा खाली है, मीठा भात खाली है, पूरी खाली है, तो ऐसे बोलो, बेतोहिन मत करो खीर की, मीठा भात बोल के खीर खाई। और देखो खा के आई हो ना, तो चुपचाप मुंह बंद रखो, ज्यादा मत बताओ वैरायटी हमको। अभी देखो अभी लिट्टी ली है, कल रात का लिट्टी बचा के। नहीं जी हटा भाई इसे, सच में सुबह कौन है जी लिट्टी खाता है। सुनो खाली है सीट, अभी करना है तो सबको फोन करके पूछ लो, बड़की में बुक करा दो कि सबसे पूछ लो, पप्पू को बुला के बुक कर दो। हाँ खाली है अभी, क्योंकि हम चले। Thank you.
दे मैडम आप तो कहाँ जा रही है। ये आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं, सरसों वाला। और ये स्पेशल देखा है 2 तारीख का, दोपहर के लंच में मैं ये बना रही हूँ। और गाइस ये जाएगा मेरा ब्लॉग 2-3 दिन बाद, हैप्पी न्यू ईयर का, तो आप सब देखिएगा। और बाकी मैं कहाँ भी गई थी वो भी मैं दिखाऊँगी आप सब को। गाइस मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मैं कल नहीं, इतना थक गए थे हम लोग कि आते आते बहुत टाइम हो गया था और थकान भी बहुत हो गई थी, तो हम लोगों ने आगे का कुछ भी नहीं मैं शेयर कर पाई आप सबों के साथ। और खाने में हम लोगों का बना था ये सेवई पूड़ी और आलू मटर गोभी की सूखी सब्जी, जिसे मैं दिखाना भूल गई आप सबों को, और थकान की वजह से ऐसा हुआ। और बाकी हम सब ने बहुत मस्ती की, बहुत घूमा फिरा, और बाहर ही कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने चटर पटर कुछ खा लिया था, जिससे और भी मतलब पेट भर गया था, तो खाने में उतना इंटरेस्ट रह नहीं गया था, इसलिए हम शेयर नहीं कर पाए। बाकी आज जो बना रहे हैं लंच टाइम वो आपसे शेयर कर रहे हैं, खास नहीं है कुछ फिर भी दिखाते हुए। और ये फ्राई हो रही है मेरी आलू, और मसाले में जो मैं डाल रही हूँ वो दिखा रही हूँ आप सबों को। मसाले में ये है मिर्चा, हरा मिर्चा और हरी लहसुन, थोड़ी सी अदरक, और अदरक मैं अभी डालूँगी, इसमें डाला नहीं हमने। और ये जीरा और सरसों,
यही होगा, बाकी नमक और हल्दी होगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ पहले मसाले को अपने, फिर आगे का दिखाती हूँ। और ये हमने पीस लिया अपना मसाला, और अब मैं डालने जा रही हूँ, मेरी आलू फ्राई हो चुकी है। ये देखिए पूरा सुनहरा कलर हो गया है, थोड़ा काफ़ी लाल हो गया है लेकिन अच्छा लगेगा खाने में। और बाकी हम सब कहाँ गए थे ये बताते हुए, हम सब यहाँ की एकमात्र सिटी जो हमारी है उसमें एकमात्र वही मॉल है, और गए थे देखिएगा और ये डालिए हमने मसाला, मैं अपनी हल्दी, नमक मेजरमेंट नहीं है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और रास्ते का हमने मतलब लिया था पर मैं बोली नहीं हूँ उसमें, आप लोगों से बातें नहीं की हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी वहाँ लोग काफ़ी घूर रहे थे मुझे, तो थोड़ा ऑड लग रहा था बोलने में। आगे मसाले भून जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा मसाला फ्राई होने लगा है धीरे धीरे, और अब मैं डालूंगी अपना टमाटर, टमाटर और ये थोड़ा सा कलर के लिए मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो गाइज ये मेरी सब्जी भून के तैयार हो गई है, अब मैं इस पे जा रही हूँ पानी डालने, और कितना पानी डालना है ये हम सब अपने हिसाब किताब से डालेंगे, जितना खाना है उतना ही डालेंगे। डाल थोड़ा रसा चाहिए, ग्रेवी चाहिए थोड़ा, तो इसलिए हम लोग इतना ही डालेंगे, पक के आ जाएगा। और पकने के बाद हम हरी धनिया डालेंगे। तो गाइस अब मैं यहाँ से अपना ब्लॉग एंड करूँगी, और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस थोड़ा रहम कीजिए क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर हूँ, तो आप सबों का सहयोग की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप सब मेरे देखिए ब्लॉग्स को और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कीजिए अगर पसंद आता है तो।